क्या हाल? कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया लग रही है? बीच वाली। कौन सी? ये सबसे बढ़िया लग रही है, आगे से देखो। अरे आराम से, ये बढ़िया लग रही है। भाई ने बोला आरसी बढ़िया, मतलब आरसी बढ़िया है भाई। बाकी सारी गाड़ी हटाओ यहाँ से। भाई ने बोला भाई। इन गाड़ियों सिर्फ अकेले ही दौड़ाओगे? हाँ, लेकिन टॉप ये लग रही है ना। बस भाई, भाई ने बोल दिया आरसी बेस्ट। कलर है ना, इसलिए मैं लग रहा हूँ। ना ना भाई, आप बात घुमाओ नहीं, आरसी बेस्ट है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हमारे पास चार बाइकें हैं और क्वाड बैटल होने वाली, बहुत बेहतरीन, क्योंकि क्वाड बैटल में आप लोगों को आता है ज़्यादा मज़ा, इसीलिए हम लेके आए क्वाड बैटल और चार बहुत ही बेहतरीन राइडर, मतलब तीन उधर और एक खुद। ये तो आप डिसाइड करोगे कौन बेहतरीन राइडर है कौन ख़राब, क्योंकि कमेंट में तो आना ही है भाई राइडर नूब था, और जिसकी फेवरेट गाड़ी हारेगी वो राइडर नूब था। तो भाई ये बता दो भाई, राइडर कौन कौन नूब है? कोई है कमेंट सेक्शन में जो हारेगा वो राइडर नूब है? ये भाई ये तो गलत है। देखो कमेंट में आता ही आता है, जो राइडर जिसकी फेवरेट बाइक हारी राइडर नूब था, मैं पहुंचा देता इसको चांद तक। ठीक है, सो मैं यहाँ चलाऊंगा R15M, और ईशु भाई चलाएंगे KTM RC, और हमारे गुड्डू भाई चलाएंगे 220, और पप्पन पिल्लो भाई चलाएंगे RS 200। और आज पप्पन पिल्लो अपने नए कूल हेलमेट में देख रहा हूँ, एकदम राइडिंग जैकेट के साथ एकदम यहाँ पे आए हैं, लग रहा है आज राइडर आया है। आज इन्होंने सबसे फास्टेस्ट बाइक ली और कह रहे हैं आज मैं आगे निकलूंगा और किसी को मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन KTM RC को अगर तुमने इनिशियल में हरा दिया तो मानेंगे तुम असली राइडर हो। और आज पिज्जा है आज रविया की तरफ से। अगर तुमने हरा दिया तो दो पिज्जा मेरी तरफ से मैं खाऊंगा। और क्या लेंगे भाई? दो पिज्जा खाऊंगा बता रहे हैं। सो आप लोग देखो ये बैटल और मजे लो पूरी रेस के, एकदम एंजॉय करो। कमेंट में तो आता ही आता है ना यार, जिसकी फेवरेट बाइक आरती है कि राइडर नूब था, आरसी 320 जाती है, R15 400 जाती है, और 220 तो भाई 220 तो 500-600 निकल जाती है। और भाई इनिशियल में सबको पीछे करते तक को पीछा दिया भाई ने आपके, तो भाई बाबा है। और इनिशियल में भाई कोई तोड़ नहीं KTM RC का। लौंडा हॉर्न मार के खुद ही निकल गया, क्या बात है, सारे कंपटीशन उल्टे हो गए। पप्पन पिल्लो सबसे पीछे, हद हो गई है। पप्पन पिल्लो आप निकले हैं भाई की लिमिट है, मजा ना भी आती जल्दी भाई, बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन करना, उसके बाद ही भाई पावर पता चलेगी सबको। तो भाई ये रेस तुम्हें जीतनी है KTM RC। पीछे तो हमारे पप्पन भैया आज चला रहे हैं RS, तो रेस होने वाली है बहुत ही शानदार और बेहतरीन। तो भाई सबको पिछाड़ते हुए निकल गया भाई आपको, और देख साथ में है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है। क्या बगल में आ गई भाई, पूरी उम्मीद थी पप्पन भैया से हमको, पिछाड़ने वाले यही हैं। और सूरज भैया सब लोग लगाए पीछे, तो भाई बहुत ही लिमिटर अभी आ गया लिमिटर।
खत्म करते हुए। बाकी पप्पन भैया ने पूरी जान लगा दी है पावर डाटा के सबको। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो पप्पन भैया के नाम पे। तो भाई R15 जो है वही हम बिंदा से पोपअप नहीं करती है। देखो क्या बात है। अरे भाई बहुत ही गंदा कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ तो। पूरी उम्मीद थी मुझे, अरे इतनी नहीं थी भाई साहब। निकल जाओ भाई साहब, भाई साहब बदनामी नहीं। R15 को भाई पीछे छोड़ना है तुम्हें बिंदास, अगर वो निकल गई तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। न्यू राइडर का पुरस्कार भी मिल जाएगा हमको, क्योंकि भाई जो फेवरेट बाइक होती है भाई लोगों की, अगर वो हारती है तो बहुत बदनामी होती है। बाइक का एक्सीलेटर खींच ही देते हैं पूरा भाई। खींचने पर भी अब 139 और 138 ये तो बदनामी नहीं सहूंगा मैं, बस लिमिटर हिट ना होना। इधर से पिंट लाद बहुत ही ज्यादा है। RS निकल चुकी है सबसे आगे। पीछे कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है, लेकिन मैं टक्कर दूंगा उसको, ऐसा लगता है मुझे। मैं चांद तक जाऊंगा। भाई साहब लिमिटर हिट कर रहा है इसका, नहीं निकल पाएगी बस। तो एज यूजुअल RS ही आनी है मुझे ऐसा लग रहा है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार, लिमिटर हिट करता रहा तो दिक्कत हो गई। बाकी इनिशियल में RC एंड अगेन RC भाई, जिस बाइक इस पावर के लिए जानी जाती है वो इसका भाई इनिशियल है। बाकी टॉप एंड हमेशा से R15 पर आए तो देखा निकल गया हमारे सूर्य भैया लगा के पीछे, और RS आ गई और पीछे। रुक जा पप्पन पिल्लो, मैं आ रहा हूँ भाई, रुक जा थोड़ा सा और भाग मेरी धन्नो। बस बस पप्पन ने मुझे मौका दिया और ये मैं निकला। और बहुत ही बदनामी था, सूरज भी चल रहे पूरा लेट गए। आगे हमारे 220 गुड्डू भाई भी पूरा एकदम लेटे हुए। देखना धड़धड़ा के निकलेगा मेरे बगल से। आ रही है आवाज, आ रहा है, ये देखो
निकल गया। तो भाई इसके पीछे लगा लो, इसके पीछे लगा लो, गाड़ी भगाओ। यहाँ पे क्लियर विनर जो पहली थी वो आरएस थी। अब थोड़ा सा गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं। सो इस बैटल में सबसे आगे जो थी वो पप्पन पिल्लो की गाड़ी थी। पप्पन पिल्लो ने बहुत मौका दिया, मैं बार बार कह रहा था कि स्लो डाउन करें स्लो डाउन करें, लेकिन पप्पन भाई ने बहुत मौका दिया, बहुत मौका दिया, उसके बाद जाके मैं बगल में आ पाया था। बाकी सबसे फर्स्ट रही अपनी आरएस, सेकंड रही अपनी आर R15, मतलब हमारी दोनों गाड़ियाँ फर्स्ट सेकंड आई भाई, ट्रॉफी लाओ मेरे लिए, ठीक है। थर्ड आई यार 220, कितना भागी, 154-155, बहुत स्पीड हो रहा है। हमारी गाड़ी 150 नहीं पहुंची, इनकी 154-155 पे पीछे थी। हमारी गाड़ियाँ 150 नहीं पहुंची, इनकी 155 में पीछे थी। और इनिशियल आप लोग ने देखा आरसी का सबसे तेज था, लेकिन ये भाई हॉर्न देखे ऐसे गायब हो गए कि हॉर्न सुनाई नहीं दिया, हम लोग ने लॉन्च गलत किया, लेकिन फिर भी आरसी निकल गई। लेकिन भाई एक बात बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था लॉन्च में, सबसे पीछे क्यों निकले तुम? तो इनका लॉन्च सबसे बेकार था, इन्होंने शायद दूसरे गियर में गाड़ी उठाई क्या किया, लेकिन इनका लॉन्च सबसे बेकार था। लेकिन फिर भी आरएस ने लाज रख ली इनकी कि इनको जिता दिया। मतलब कुछ और था, इन्होंने कहा बच्चे पहले आगे जाएं, पीछे से पापा आ रहे हैं, पहले बोला था कि बच्चे। सो यहाँ पे ऐसे रिजल्ट रहा है, आरसी आई 4th, क्योंकि आप लोग जानते हो इनिशियल अच्छा है बट टॉप एंड 144 पे जाके लिमिटर हिट कर जाता है। सो आई होप क्वाड बैटल आप लोग ने एंजॉय की है, पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, फटाफट बटन दबा दो लाल वाला और घंटी पे जरूर दबाना, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।